हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? तो आज का ये व्लॉग मेरा शाम के टाइम में शुरू कर रही हूँ, तो शाम की चाय के साथ ये व्लॉग स्टार्ट होता है। सो ये देखिए, मैंने चाय चढ़ा दी गई है, इसमें चाय पत्ती चीनी सब कुछ डाल दिया है। अभी इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी। सो अभी अभी मैं पहले नहा के आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे देख के आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं नहा के आई हूँ। इतनी गर्मी है, इतना पसीना पड़ रहा है मुझे। तो आज मैं आपके लिए ये व्लॉग अपने घर का एक छोटा सा गार्डन है वो दिखाऊंगी आपको। तो पहले हम चाय बना लेते हैं और सभी को चाय दे देते हैं, फिर हम अपना आपको अपने गार्डन में लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है, उसमें कोई भी दवाई नहीं, दवाई का छिड़काव नहीं है, किसी भी चीज़ का छिड़काव नहीं किया हुआ। जो हमारे घर की, अब देखिए हमारी चाय भी उबल रही है। सो जो हमारे घर की जो डैडी जी ने खुद लगाई है और उसको खुद अपने हाथों से सब कुछ उसका किया है, पानी वगैरह टाइम टाइम पे सब कुछ दिया है। तो हम अपने घर में ज़्यादातर अपने घर की ही सब्जी खाते हैं, कहीं बाहर की नहीं खाते हैं। फिलहाल सभी रेस्ट कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं चाय बना के लेके जाऊंगी, सभी को चाय दूंगी और फिर हम आगे देखते हैं कि आपको गार्डन में, फिर हम आपको गार्डन में ले चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमने लगाए हुए हैं बैंगन। अभी शायद इसको कुछ लगा नहीं है बैंगन, ये देखिए इसको, ये बैंगन को फूल पड़ चुका है और ये बैंगन भी लगे हुए हैं, एक दो लगे हुए हैं बैंगन, वो देखिए वो नीचे भी लगा हुआ है। बाकी ये हमने हल्दी लगाई हुई है और उसके पीछे आप देख सकते और ये अरबी के पत्ते लगाए हुए हैं, जिस और हमारे घर में जो एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे अमरूद लगे हैं। ये देखिए ये भिंडी लगी हुई है, ये मक्की भी लगाई हुई है, उस साइड ज़्यादा लगी है, ये तो यहाँ पे तो दो ही पेड़ है मक्की के। तो ये देखिए तोरी की सब्जी की बेल लगी हुई है जिसमें अब बहुत ज़्यादा तोरी लग रही है। सो ये देखिए, ये भी एक तोरी की बेल लगाई हुई है, बीच में इसमें तोरी की भी है, ये देखिए छोटी सी तोरी लग रही है और साथ में ये फली की भी है, ये लगी हुई है फली, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हमारी देसी लैंग्वेज में इसको फली बोलते हैं। तो हमने ये तुलसी का पेड़ लगाया, ये देखो ये तोरी कितनी बड़ी हो चुकी है। खजूर का पेड़, पिछले साल इसको दो तीन खजूर लगे थे लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हुई, वो ख़राब हो गए थे, लेकिन इनका पेड़ है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए हमने दो तीन इसके झाड़ू भी यूज़ किए हैं बना के, इसके ये वाले काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, फिर इनको धूप में सूखने डाल देते हैं, फिर इसका झाड़ू बना लेते हैं, झाड़ू भी यूज़ किए हैं हमने। सो ये हमारे घर के बाहर का वो है। तो ये देखिए ये गन्ना लगा हुआ है, ये हमारे घर के एग्जिट बाहर ही है, बिल्कुल सामने है, ये हमारे घर का गेट है, मेन गेट है, तो इसके बाहर ही ये लगा हुआ है।
तो इस तरफ भी डैडी जी ने ये बेल लगाई हुई है, ये सेम फली की, और ये पेड़ लगा हुआ है फूलों का, क्योंकि ये पेड़ एक अंदर भी है, ये देखिए अंदर भी लगा हुआ है। लेकिन जब बारिश के मौसम में या कोई हवा तूफान आती है तो इस पेड़ के जो पत्ते फूल नीचे गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद गंद पड़ता है, लेकिन वैसे अच्छे लगते हैं, इसको रेड कलर के फूल लगते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको पहले मक्की दिखाई थी, वो मक्की तो कच्ची थी, मतलब खाने के लिए, भून के खाने के लिए रखी हुई थी डैडी जी ने। ये मक्की हमने निकाल के रखी है, ये पूरी तरह से पक चुकी है, अभी इसको धूप में सुखाने के लिए रखते हैं। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और मेरे वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने को मिला हो कि जैसे हम अपनी घर में सारी चीज़ें उगाते हैं और घर से ही सब सारी सब्जियां उगाते हैं, वहीं खाते हैं, उसमें ना तो कोई दवाई का छिड़काव करते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनिक होती हैं वो, तो आप भी अपने घर में लगाइए और वहीं सब्जियाँ खाइए। बाजार की बजाय आप अपने घर में सब्जियां लगाएंगे और वही सब्जियां खाएंगे तो शायद आप बीमारियों से दूर रह पाएंगे। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सो इसको शेयर ज़रूर करना। मैं ये नहीं बोलती कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस मैं यही बोलूँगी अभी तक कि इसको शेयर ज़रूर करना, जो कि मुझे थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियो बना सकूँ। सो ओके बाय, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।